Jackson. I am Ali Waqar, a student of second year. First of all, I am very thankful to Mr. Shehbaz for giving me this opportunity to boost up my capability. And today the topic I am going to discuss is various states of process. There are five states of process. And the first one is new state. And then ready state, and running state, block state, and terminated state. First, we come to know about the process, definition of process. What is the definition of process? Processing is the transformation of input data to a more meaningful form. जो हमारे पास input data है उसको more meaningful form में convert करने के लिए computer के अंदर process होता है, जो कि CPU में सारे process हो रहे थे जो CPU. और एंड आउटपुट इज प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. और जो आउटपुट होती है वो हमारी रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हमें एक्चुअली चाहिए होती है, वो होती है. विच मे बी इनपुट इन द फ्यूचर. जो पहले इनपुट होते लेकिन जब हम उसको कंप्यूटर में जब हम उसको इनपुट करते हैं तो प्रोसेस होते हैं अंदर, फिर हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं उसको हम देखते हैं. एंड वी कम टू फर्स्ट स्टेप विच इज न्यू स्टेप. डेफिनेशन इज इन दिस स्टेप द प्रोसेस इज अबाउट टू बी क्रिएटेड बट नॉट येट क्रिएटेड. नाम से जाहिर है कि ये प्रोसेस अभी अभी क्रिएट हुआ है, यानी न्यूली इट इज एस्टेब्लिश और क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर. इट इज प्रोग्राम डेट इज प्रेजेंट इन सेकेंड मेमोरी. और ये ऐसा प्रोग्राम है जो सेकेंड मेमोरी में है. जब न्यूली प्रोग्राम होता है बाय डेवलपर, इट इज स्टोर्ड इन सेकेंड मेमोरी एंड देन पिक बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट प्रोसेस इन द नेक्स्ट स्टेप. And the next state is ready state. The ready state of process is when the process is scheduled to run after some execution. कि अब जो हमने जो स्टेट जो पहले स्टेट में हमने पढ़ा था न्यू स्टेट में, कि हमने जिस प्रोग्राम को हमने अभी अभी प्रोग्राम उस प्रोग्राम किया है उसको अभी आगे प्रोसेस करने के लिए रेडी है, यानी इसका दूसरे स्टेट में प्रोग्राम रन होने के लिए रेडी है. When process is started, जब प्रोसेस स्टार्ट होता है इट डायरेक्टली एंटर्स इन टू द मेमोरी टू रेडी स्टेट. देयर इट वेट्स फॉर द सीपीयू टू बी असाइंड. यहाँ पे वो मेन मेमोरी से हमने जो न्यू स्टेट को रखा है वहाँ से सीपीयू में आ जाते हैं और वहाँ पे वेट करते हैं जब तक वो असाइन ना हो. प्रोसेस विच आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, अभी वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है एंड रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी आर कॉल्ड एज रेडी स्टेट प्रोसेस. जो कि हमने मेन मेमोरी से लिखी है अभी वो प्रोसेस के लिए रेडी है. एंड थर्ड स्टेट इज रनिंग स्टेट. इसका डेफिनेशन है प्रोसेस इज सेट टू बी इन रनिंग स्टेट व्हेन द प्रोसेस इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर. यानी जो स्टेट रनिंग स्टेट में वो जो हमने प्रोग्राम उसको बनाया था वो अभी बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर. यानी प्रोसेस में एग्जीक्यूशन में अभी प्रोसेसर के जरिए आ रहे हैं अभी बीइंग द एग्जीक्यूशन. एंड द फोर्थ स्टेट इज ब्लॉक स्टेट. प्रोसेस मूव्स इनटू द वेटिंग स्टेट. ब्लॉक स्टेट को दूसरा नाम है वेटिंग स्टेट. इसका भी नाम से जाहिर है कि जो जो प्रोग्राम है वो अभी वेटिंग कर रहा है. इट इज नॉट येट एग्जीक्यूटेड. इफ इट नीड्स टू वेट फॉर अ रिसोर्स सच एज वेटिंग फॉर यूजर इनपुट और वेटिंग फॉर अ फाइल टू बिकम अवेलेबल. जब तक जो फाइल प्रोग्राम डेवलपर जो होता है उसको अवेलेबल अवेल नहीं करता तब तक वो वेटिंग में रहता है या ब्लॉक रहते हैं. एंड द लास्ट स्टेट इज टर्मिनेटेड स्टेट. टर्मिनेटेड स्टेट टर्मिनेटेड मीन्स फिनिश कंप्लीशन. दिस प्रोसेस टर्मिनेटेड वंस इट इज इट फिनिश एग्जीक्यूशन. जब इसकी एग्जीक्यूशन पूरी होती है तो वो टर्मिनेट यानी खत्म हो जाती है, यानी इट इज नाउ एग्जीक्यूटेड. And this is the last step of process in operating system. In the terminated state, the process is removed from main memory and it is now removed from main memory and its process control block is also deleted. और जो इस पहला स्टेट है यानी वो वेटिंग पर था जब तक उसको जो उसका प्रोग्रामर है जब तक उसको असाइन नहीं करता था तो वेटिंग पर था, लेकिन अब जो टर्मिनेटेड स्टेट में जब वो एग्जीक्यूट हो चुका है तो उसका जो और इसकी प्रोसेस है वो इट इज नॉट टर्मिनेटेड एंड नो द प्रोग्राम इज कम टू कंप्लीशन.